finally, after 15-16 days, Nano is back and it's better than ever before. क्योंकि जो फीलिंग अभी इसको देख के आ रही है ना, यही सेम फीलिंग. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, कुत्ते भौंकी जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे. मैं आधे घंटे से इधर बस स्ट्रोल कर रहा हूँ लेकिन नहीं चुप हो रहे. सो अभी जो फीलिंग मुझको यहाँ पे आ रही है ना, ये एग्जैक्टली द सेम फीलिंग है जो कि 2012 में आई थी. सेम टू सेम फीलिंग वापस आ रही है. ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कल शोरूम से ही लेके आ रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं. दिस इज द ओवर 10 ईयर्स ओल्ड. कितने हो गए, 11-12 साल हो गए गाड़ी को, लग रही है. बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये 12 साल पुरानी गाड़ी है. बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रांड न्यू गाड़ी है, जस्ट अभी शोरूम से उतर के आई है. रिबन रिबन लगे हुए हैं एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड ऑन द आउटसाइड, बट ऑन द इनसाइड इट्स एक्चुअली एंटायरली डिफरेंट स्टोरी. क्योंकि इंटीरियर ऐसे जब आप काम करवाते हो ना गाड़ी का, तो इंटीरियर खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो इंटीरियर में हमेशा, कभी भी आप इस टाइप का काम करवाओ तो हमेशा बाद में करवाना पेंट जॉब से. सो अभी पेंट जॉब हो चुका है, लेकिन इंटीरियर आप नोटिस करो, इधर का डोर कार्ड खुला है, इधर का भी खुला है, नीचे का कारपेट्स एरिया एवरीथिंग इज हैज़ बीन शॉट. तो बहुत ही बुरा हाल है. सो अब नेक्स्ट प्लान मेरा इसके साथ क्या है, प्लान ये है कि सारी की सारी सीट्स खोलनी है, 100% खोलनी है. एंड उसके बाद नीचे का कारपेट जितना हटा सकूंगा उतना हटाऊंगा. तो पूरा हट जाएगा तो मज़ा आ जाएगा. पूरा हटाने के लिए मुझे थोड़ी सी लगता है कि प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि नीचे फ्रेम भी होता सीट्स का, प्लस सेंटर कंसोल भी. सेंटर कंसोल तो फिर खुल जाएगा लेकिन फ्रेम नहीं खुलता. वहाँ पे उनको उन्होंने स्टेपल किया होता है कारपेट को, यहाँ कुछ इस तरह का सीन होता है. सो वो चीज़ पॉसिबिलिटी है नहीं. सो बाकी खोलने के बाद देखेंगे. दूसरी चीज़, नीचे का एरिया मुझे फ्लोर इसीलिए खोलना है कि मुझे डाउट है कि किसी जगह पे रस्टिंग ना हो. अब बाहर से तो सारी रस्टिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है, लेकिन जो अंदर का है इशू, इनकेस हो तो आई नीड टू सॉर्ट दैट आउट. क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने पीछे का बम्पर सेट किया था तो वो पीछे का एरिया भी सॉर्ट आउट किया था, थोड़ा सा वहाँ पे घिस घास के काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन हाँ कर दिया था. एंड अभी बाहर का आप लोगों ने काम देख ही लिया. तो धीरे धीरे करके एक एक करके करेंगे ये काम, देन ड्राई क्लीनिंग. एंड मैं सोच रहा हूँ ये सीट कवर्स को टच कर दूँगा, अब हो गया इनका टाइम. तो अभी कुछ टाइम ओरिजिनल सीट्स पर रहते हैं एंड उसके बाद अगर मन करेगा, हाँ अगर मन करेगा तो सीट कवर्स लगवा लेंगे, नहीं तो ओरिजिनल सीट इसके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर दिखते हैं. दूसरा, अभी उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, लाइक द एम्बिएंट लाइट्स, लाइक द DRLs ऑन द आउटसाइड, लाइक द UFO लाइट्स ऑन द फ्रंट. एंड मैं शायद कोशिश करके स्टेयरिंग व्हील भी चेंज कर दूँ. अगर जेनिक्स के बम्पर्स लग गए हैं तो जेनिक्स का स्टेयरिंग व्हील भी तो यहाँ पे होना चाहिए, राइट. एंड फिर स्टेरियो पर भी लगेंगे. स्पीकर्स तो सॉर्टेड हैं गाड़ी में. एंड उसके बाद लास्ट में जाने के बाद एक सबवूफर डिज़ाइन होगा, जो कि 100,000 साल पहले प्लान और डिज़ाइन रेडी कर दिया था, वही प्लान और उसमें चलना है, लेकिन जस्ट अभी तक वो बनाया नहीं है. वूफर्स भी रखे हुए हैं तब से. हाँ, घोर संकट है, राइट, घोर संकट है. एंड इसके अलावा और क्या है, और हाँ डोर कार्ड्स को लगाने का मैं फिटिंग का जो सिनेरियो वो भी डिफरेंट सोच रहा हूँ मैं. बाकी देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है. दूसरा और क्या है, और क्या रह गया, कुछ रह गया क्या? डेढ़ घंटे से ना मैं गाड़ी के आर पार इधर उधर बस चक्कर काटी जा रहा हूँ और कोई काम कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि निहारने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि कोई हिसाब ही नहीं है. और अभी भी शादी बैठ गया उसके आगे. तो आप सबको टाइम नहीं खोटी करता हूँ, आपको काफ़ी प्यारे प्यारे शॉट्स दिखाएं, आपको मज़ा आया होगा, होपफुली आया होगा. एंड इस गाड़ी के साथ आप और क्या देखना चाहते हो मुझे ये बताना. बाकी मैंने आपको एक प्लान आउट तो बता ही दिया है, प्लान तो सॉर्टेड है, बस कैसे कैसे करना है, किस स्टेप्स में करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा ऑन द टाइम. एंड रोड ट्रिप्स भी आने वाले हैं, अब रोड ट्रिप्स तो आएंगे ना, गाड़ी ऐसी हो गई है तो रोड ट्रिप्स तो 100% आएंगे. बाकी सर्विसिंग मैं सोच रहा हूँ मार्च के अराउंड करवाऊँ इसकी, बाकी देखते हैं. अभी एक बार ऑयल वगैरह चेक करेंगे इसका एंड नए स्पार्क प्लग्स भी सर्विस के अराउंड ही डाल दूंगा. सो ऑन दैट बॉम्बशेल, लेट्स एंड दिस वीडियो. आई होप यू गाइस लाइकिंग दिस ब्रांड न्यू टाटा नैनो. एंड ये वाला वेरिएंट हैवी नहीं. जेनिक्स के अंदर क्या होता है, दो चेंजेस है. एक तो यहाँ पे वो जो टी का लोगो है वो एक ब्लैक से कलर की चीज़ के अंदर है, पर मैंने ऐसा नहीं किया, कर सकता था. दूसरा जो उसका बम्पर है सेम डिज़ाइन है, लेकिन जो ये ग्रिल है, ग्रिल उसके अंदर ब्लैक आती है एंड प्रोजेक्टर्स नहीं आते. सो ये एक डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. देन रिबन से तो यू नो एक अच्छी खासी उसकी फिनेश सही लोग आ गई है. तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. वाच चेक सी ब्लॉग्स एंड लॉट्स ऑफ फन एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो नॉर्म है ना, वो तो करना ही होता है.